गोभी बनाने के लिए हमें चाहिए फूल गोभी। ये देखिए इतने बड़े बड़े पीसेस में फ्लावर्स में हमने तोड़ ली है। खड़े मसालों में एक काली इलायची जिसके हमने कूट लिया है, 3 लौंग जो हमने कूट ली हैं, हींग है 1/4 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच सौंठ पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच जीरा। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल फ्राइंग के लिए रख दिया है। अभी ये हीट हो रहा है, ये हीट हो जाएगा तो पहले हम गोभी के फ्लावर्स को फ्राई करके किचन टिश्यू पे निकाल लेंगे। ऑयल हीट हो गया तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये गोभी के पीसेस। और हमें जब ये गोल्डन ब्राउन से थोड़े ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो इनको निकाल लेना है। थोड़ी सी गोभी है ये 250 ग्राम जितनी, आप जितनी गोभी लेंगे उसी हिसाब से आप बाकी का सामान भी लीजिएगा। देखिए मैं इसे अलट पलट करती जा रही हूँ ताकि ये सब तरफ से ब्राउन हो जाए। जिस तरीके से ये ब्राउन हुई है हमें सारी वैसे ही करनी है। तो अभी अभी मैंने इनको पलटा है, देखिए ये एक साइड से ब्राउन हो रही हैं और दूसरी साइड से हम ब्राउन कर रहे हैं इनको। तो जब ये पूरी ब्राउन हो जाएंगी सब तरफ से फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। वो भी सब तरफ से देखिए अच्छे से ब्राउन हो गई। मैंने इसे किचन टिश्यू पे निकाल लिया है और गैस मैंने ऑफ कर दिया है। अब जब ये मस्टर्ड ऑयल ठंडा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के खाली 1 टेबलस्पून जितना मैं कढ़ाई में छोड़ूंगी और फिर हम गोभी को बनाना शुरू करेंगे। अच्छा एक चीज़ और, आप इसमें इतने गोभी में 1 से 1.25 टेबलस्पून जितना दही भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम दही का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि ये दोनों तरीके से बनाई जा सकती है, दही समेत और बगैर दही के भी। तो अब ऑयल के ठंडा होने की वेट करते हैं फिर गोभी बनाते हैं। ऑयल ठंडा हो गया था तो मैंने 1.5 टेबलस्पून ऑयल इसके अंदर बचा के बाकी सब निकाल दिया, गैस जला दी थी। दोबारा से गर्म हो गया ऑयल, अब मैं डाल रही हूँ इसमें खड़े मसाले यानी कि काली इलायची और लौंग। सेक मैंने अभी कम ही रखा है, ये तड़क गई तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हींग और कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आप दही डालेंगे साथ में तो इसी वक्त पे मिक्स करके दही भी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा लाल मिर्च को पकने देंगे तेल में, मीडियम आंच कर रही हूँ मैं। देखिए ऑयल में उबाल भी आने लगा, मिर्च पक गई। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बाकी के मसाले यानी कि स्वाद अनुसार नमक, सौंठ, सौंफ, और जीरा पाउडर। सेक एकदम कम कर दिया मैंने और ज़रा सा डालूंगी पानी ताकि ये मसाले जले नहीं, और थोड़ा सा इन मसाले को हम पकाएंगे। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया तो अब मैं डाल दूंगी ग्रेवी के लिए पानी। यहाँ पे मैं 3/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ। एक बार इसको बॉईल आएगा तो धीरे धीरे इसके अंदर गोभी स्लिप इन कर देंगे। इसमें देखिए अच्छे से बॉईल आ गया तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोभी। बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी होने तक पकाएंगे और इसको बहुत आराम आराम से चलाना है ताकि गोभी के पीसेस टूटे नहीं। हमें जितने बड़े बड़े ये पीसेस हैं उतने ही चाहिए, बहुत अगर ज़्यादा पकाएंगे तो डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे।
तो इसका सेक मैं कर रही हूँ अब थोड़ा सा मीडियम, बहुत तेज नहीं रखूंगी। और एक बार थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए धीरे धीरे गाढ़ी होने लगी ग्रेवी। सौंफ पाउडर का काम ही एक्चुअली ग्रेवी को गाढ़ा करना होता है। जैसे नॉर्मल ग्रेवीज में हम लोग ढेर सारा प्याज टमाटर डाल के ग्रेवी गाढ़ी करते हैं, यहाँ पे सौंफ पाउडर भी वही काम करता है। इसीलिए सौंफ पाउडर ज्यादा डाला जाता है और सौंठ पाउडर कम इसलिए डाला जाता है क्योंकि सौंठ बहुत गर्म होती है, तो उसकी गर्माइश की वजह से और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारे लोगों को, इसीलिए हम उसको कम ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से उबाल आ रहे हैं कम सेक पर भी, और गाढ़ी भी होती जा रही है ग्रेवी। थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए तो फिर प्लेट आउट करते हैं इसको। और साथ के साथ एक रिक्वेस्ट कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए आप बनाइए इसको खाइए, वीडियो पसंद आए सब्जी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। थम्स अप देना तो बनता है यार, है ना। थैंक यू सो मच। अभी हम दिखाते हैं आपको इसको प्लेट आउट करके, ये ऑलमोस्ट हो गया। तो लीजिए क्राई गोभी जो है हमारी वो रेडी हो गई। इसको बॉइल्ड राइस के साथ परोसेंगे, बहुत टेस्टी लगती है बॉइल्ड राइस के साथ। आप चाहें तो चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बॉइल्ड राइस के साथ ट्राई करेगा बहुत मज़ा आता है। कलर तो आप देख ही सकते हैं इसका कितना मज़ेदार आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम आपके पास फिर से आएंगे एक कोई और नई रेसिपी लेकर। बाय बाय।